डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। इससे हमारा सब कुछ नुकसान हो रहा है। जितना पैसा था हमारे पास 5-7-8 लाख 10 लाख जितना था सब हमने लगा दिया था, क्योंकि हम 6 महीने तक खाली बैठे थे। पिछले 6 महीने से हमने कोई कारोबार नहीं करा लॉकडाउन में। जब 6 महीने से हमारे घर में रोटी नहीं थी, अब सोच रहे थे कि अपने 6 महीने की कवरिंग यहाँ पर आके कुछ करेंगे, जो हमारा लॉस हुआ है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी ग्रीन पटाखे बेचने की, 2018 में इजाजत दे दी थी, ठीक है जी। उसके बावजूद गोपाल राय कहते हैं कि ग्रीन पटाखा ही बेचोगे। जब लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई आवेदन किया, हमें ग्रीन पटाखे का लाइसेंस मिला, हमने वो अप्लाई किया, हम लोगों को लाइसेंस मिला। उसके बाद में गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफर्म करते हैं, हाँ ठीक है ग्रीन पटाखा ही बेचोगे। उसके बाद में अचानक ही 5 तारीख को केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं दिल्ली में सभी प्रकार का पटाखा बैन और चलाने पर 1 लाख रुपए का पेनल्टी। हमारी सरकार से ये डिमांड है, या तो हमें पटाखा बेचने की परमिशन दोबारा से वापस दी जाए, ग्रीन पटाखा बेचने की, और वरना हमारा जितना नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। केजरीवाल सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया, जैसे कोई आदमी सुबह उठता है घर पे और बालकनी में देखता है कि भाई धुआं हो रहा है, तो आज कुछ करना चाहिए, पब्लिक में अपना प्रोपेगेंडा करना चाहिए। उन्होंने क्या करा, सुबह उठते ही एक ट्वीट कर दिया कि हाँ भाई आज से पटाखा बैन हो जाएगा 7 तारीख से। जो ये कुछ नहीं सोचा कि व्यापारी लोग जो माल खरीद लिया, गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया, उस माल का हम क्या करेंगे। इन्होंने हमें 23 दिवाली से 2 दिन बाद तक का हमारा लाइसेंस है, उस इन्होंने बैन कर दिया 30 नवंबर तक का। अब उसके बाद हम माल कहाँ लेके जाएंगे, माल कहाँ रखेंगे, क्योंकि माल रखना भी इनलीगल हो जाएगा दुकान में हमारी, जो हमारा लाइसेंस दिवाली के 2 दिन तक का है। उसके बाद अगर हमने दुकान में माल रखा तो वो इनलीगल हो जाएगा। हम अब माल लेके कहाँ जाए, हम पुलिस हमें निकाल लेनी देगी माल को, हम कहीं रख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हमारा हाल तो ये हो गया कि जैसे एक सांप के मुंह में छछुंदर, खाएगा तो मरेगा, निकलेगा तो मरेगा। अब हम केजरीवाल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, हम फांसी लगाएं, आत्मदाह करें, या सारा पटाखा उनके घर के आगे रखे हिलाके। आप ही बताइए हम क्या करें, या तो हमारा पटाखा लिया जाए, हमारा मुआवजा हमें दिया जाए और हमें बख्शा जाए कि हम आगे से हम हाथ जोड़ते हैं उनके आगे कि हम लाइसेंस ही नहीं अप्लाई करेंगे। क्योंकि हर बार एक कुछ जो भी लेके पॉल्यूशन का काम, वो सिर्फ पटाखों में फोड़ा जाता है और कहीं कुछ नहीं देखा जाता। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा बार बार कि हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए। जो मार्केट के अंदर अब पटाखा आया था वो एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो थी उसी की तरह से मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो भी ग्रीन पटाखा मार्केट में आया। लेकिन अब क्या है कि एंड टाइम पे आपने उसे, आपने पटाखा जो है वो बैन कर दिया, वो भी ग्रीन पटाखा। और ग्रीन पटाखे का आपने पहले लाइसेंस इश्यू कर दिया, व्यापारियों ने ग्रीन पटाखा ले खरीद लिया, खरीदने के बाद आप उसको बैन कर रहे हैं, तो ये जो व्यापारी है ये कहाँ जाएगा, वो ग्रीन पटाखा कहाँ ले जाएगा। वो ग्रीन पटाखा अपने अपने यहाँ स्टोर भी नहीं कर सकते, अपने यहाँ दुकान पर नहीं रख सकते, और वो कहाँ जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि कम से कम जो व्यापारी है इसको मुआवजा तो दें आप। यदि आपने बैन करना तो 6 महीने पहले करते, आप लाइसेंस देने के बाद इसको बैन कर रहे हैं, सबसे बड़ा गलती है। तो आप डिमांड क्या है सर, जो व्यापारी को मुआवजा दें, व्यापारी कहाँ जाए, व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया।